फ्रेंड्स, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच हो रहा था वो बहुत ही शानदार बैटिंग की वजह से बाबर आजम की पाकिस्तान ने हमें भी हासिल की और शादाब ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, उन्होंने 34 रन बनाए। और इसी तरह पाकिस्तान के जो बाकी बॉलर्स हैं, खसूसन जो स्पिनर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को एक अच्छा बॉलिंग सेशन फराहम किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम उनको ज़्यादा स्कोर करने से रोक सकी। और लेकिन ग्राउंड में एक वाक़या पेश आया, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था तो एक शख्स जो है नशे की हालत में दाखिल हो गया और बिल्कुल ही अजीबोगरीब किस्म की हालत थी उसकी, तो सिक्योरिटी अहलकार ने उनको उसी वक्त वहाँ से रुख्सत किया और वहाँ से ले गए। और ये काफ़ी एक अजीब अजीब सा वाकया पेश आया पाकिस्तान न्यूजीलैंड के। बहरहाल इस तरह के वाकयात भी होते रहते हैं, जहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं वहाँ इस तरह के वाकयात भी होते रहते हैं। ये न्यूजीलैंड की टीम जो सिक्योरिटी का दावा करती थी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, इनके ग्राउंड में इस तरह का वाकया पेश आया है कि जब एक आदमी काफ़ी अजीबोगरीब हालत में, काफ़ी नाकाबले बयान हालत में एंटर हो गया स्टेडियम में, जिसकी वजह से तमाशाई की तवज्जो का मरकज बना रहा स्टेडियम और तमाशाई हैरान और पशिमान होकर देखते रहे। लेकिन ये है कि इस तरह के वाकयात जो हैं वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली नौयत अख्तियार कर जाते हैं, जिसकी वजह से इन पे मीम्स बनती रहती हैं। तो नाखुशगवार वाक्य है इस लिहाज से कि ज़ाहिर है क्रिकेट मैच का एक माहौल है, उसमें इस तरह का वाक्य होता है तो बड़ा अजीब गरीब सा तासर जाता है किसी भी क्रिकेट ग्राउंड का। बहरहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने का शुक्रिया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल क्रिक फेम को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया क्रिकेट फेम, क्रिक फेम देखने का बहुत शुक्रिया।